अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग? यस, थैंक यू, थैंक यू बेटा फॉर आस्किंग. आई एम आल्सो फाइन, थैंक यू फॉर योर कंसर्न. यस बेटा, वेलकम टू ट्यूट्रिक. ट्यूट्रिक जो है बेटा, आपको पता है कि दिस इज द फ्री स्टडी प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ओ लेवल्स, मैट्रिक, एफएससी एंड ए लेवल्स. आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं बेटा. विजिट करें आप www.tutrik.com और वहां पर विजिट करके आप बेटा अपना अकाउंट क्रिएट करें, राइट, साइन अप करें. और साइन अप करने के बाद आप बेटा उसमें डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें और अपने रेलिवेंट क्लासेस के जो ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन करें. और फिर रेलिवेंट जो सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, आप उनको ज्वाइन करें, ठीक है. जब आप बेटा क्लासेस को ज्वाइन कर लेंगे तो आपके साथ जो है स्केड्यूल शेयर्ड, इट्स ऑलरेडी शेयर्ड, तो देन दैट स्केड्यूल विल बी विजिबल टू यू. और उसके अलावा जो भी एक्टिविटीज हो रही है रिलेटेड टू द स्टडीज वो भी आपके साथ शेयर हो जाएंगी, ठीक है. और जिन बच्चों ने बेटा अभी ज्वाइन किया है, जो न्यू है, उनको मैं बता देती हूँ, अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. आई एम बेटा मिस्बा अशरफ एंड आई एम टेकिंग बायोलॉजी फॉर ओ लेवल्स फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन द एग्जाम्स इन दिस 2022, राइट. हमने बेटा एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था और क्रैश कोर्स में हमने ओवरऑल सारा जो सिलेबस है ओ लेवल्स का वो हमने बेटा गो थ्रू कर लिया है. और अब जो है हम ऑलमोस्ट 2 वीक से पास्ट पेपर सेशन कर रहे हैं. अभी जो है बेटा हम पेपर 2 और पेपर 6 करेंगे. एज ऑन 10th ऑफ मे यू हैव यू आर गोइंग टू हैव योर पेपर 6 एंड ऑन 11th ऑफ मे यू आर गोइंग टू हैव योर पेपर 2, राइट. तो अब हम अभी पेपर 2 और पेपर 6 की प्रैक्टिस करेंगे. एज वी हैव सफिशिएंट टाइम इन पेपर 1, तो हम पेपर 1 जो है बेटा जून, मे और जून में जो है प्रैक्टिस करेंगे, राइट. अच्छा, हमने बेटा ये स्टार्ट किया हुआ है और हमने लास्ट क्लास में इस पेपर को किया था. इसके हमने 5 questions जो है, यस, दीज आर द 5 questions, और हमने बेटा इसके 5 questions को कंप्लीट कर लिया था. अब जो है हमने इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आज करना है. सो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 6. ओके, होप सो द स्क्रीन इज विजिबल. यू कैन लेट मी नो थ्रू अ टेक्स्ट मैसेज इन द चैट बॉक्स. ओके, अच्छा चले बेटा, लेट्स रीड आउट दिस क्वेश्चन एंड लेट्स सी व्हाट इज द एग्जामिनर आस्किंग. ओके बेटा, चले अब हम इसको स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 इज योगर्ट इज अ मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है बेटा. योगर्ट जो है इट्स अ मिल्क प्रोडक्ट. आउटलाइन द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन द प्रोसेस ऑफ योगर्ट प्रोडक्शन. ठीक है, अच्छा बेटा, अब जो है हमें पता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, दिस इज फॉर हाउ मेनी मार्क्स? दिस इज फॉर 5 marks. तो हमने ये क्वेश्चन बेटा अटेम्प्ट करना है 5 marks के लिए. सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. इसमें जो है वी हैव टू आउटलाइन द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम देखते हैं कौन से हम यूज करते हैं वाइल मेकिंग द योगर्ट. इसमें जो है बेटा हम लैक्टोबैसिलस वी यूज टू टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, स्ट्रेप्टोकोकस एंड लैक्टोबैसिलस, राइट. इसमें हम बेटा लैक्टोबैसिलस स्पीशीज यूज करते हैं, राइट. और जो सेकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ द योगर्ट, दीज आर द स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज. दीज टू टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज इन योगर्ट मेकिंग. अच्छा, अब बेटा ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वी आर एडिंग, हाउ आर दे गोइंग टू हेल्प इन प्रोड्यूसिंग योगर्ट, ये किस तरह हेल्प करेंगे? अच्छा, ये जो है बेटा दे विल कैरी आउट एनरोबिक रेस्पिरेशन. एनरोबिक रेस्पिरेशन,
राइट, और ड्यूरिंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन व्हाट विल दे डू, दे विल कन्वर्ट द कन्वर्ट लैक्टोज शुगर विच इज प्रेजेंट इन द मिल्क, लैक्टोज इन मिल्क इनटू दिस इज के, ओके दे आर गोइंग टू कन्वर्ट लैक्टोज विच इज प्रेजेंट इन मिल्क इनटू लैक्टिक लैक्टिक एसिड, ठीक हो गया। अच्छा, अब लैक्टिक एसिड की वजह से व्हाट विल हैपन, लैक्टिक एसिड की वजह से इट आल्सो रिड्यूसेस द पीएच बिकॉज एसिड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। अच्छा, और ये जो एसिड होगा, दिस लैक्टिक एसिड विल रिएक्ट विद लैक्टिक एसिड, इट विल कोगुलेट मिल्क प्रोटीन्स, राइट। So this is how they help in producing the yogurt. अच्छा, अब बेटा इसमें जो है हमने yogurt process का पूरा जो yogurt formation का जो process है उसको भी हम describe कर सकते हैं। This is the general and this is sufficient for 5 marks. You are going to write the microorganism. So this will give you 1 mark and then they carry out anaerobic respiration. राइट, अच्छा इसमें जो है बेटा यू आर गोइंग टू राइट डाउन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैरी आउट दिस प्रोसेस, दे आर द लैक्टोबैसिलस स्पीशीज एंड स्ट्रेप्टोकोकस, दिस विल गिव अस 1 मार्क एंड दे कैरी आउट एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और यू कैन राइट डाउन द फर्मेंटेशन, दिस विल गिव यू अनदर मार्क, एंड देन दे कन्वर्ट लैक्टोज मिल्क इनटू द लैक्टिक एसिड 3rd mark एंड व्हिच रिड्यूसेस द पीएच, एंड दिस लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड इट रिएक्ट्स विद द प्रोटीन्स एंड इट कॉजेस द कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ द प्रोटीन इन द मिल्क, राइट, दीज आर द 5। अच्छा, इससे पहले जो है बनाने से पहले बेटा हमने क्या करना होता है, हमने जो है मिल्क को वार्म करना होता है, हीट करना होता है, राइट, हीट करना होता है और पैस्चराइज पैस्चराइजेशन इज इम्पॉर्टेंट एंड पर्पज ऑफ दिस इज टू किल ऑलरेडी प्रेजेंट माइक्रोब्स in the milk so that they should not contaminate or they should not grow instead of the lactobacillus and streptococcus bacteria, right, and then after heating what we have to do, after heating we have to warm or maintain the temperature we have to maintain optimum temperature right by cooling down this heated milk and then we also have to provide the anaerobic conditions and aerobic conditions are also important for producing the yogurt, right, so this is how you are going to write down. First aap beta yahan se start kar le that we have to heat the milk, heating se kya hoga jo already present iske andar microbes and they will be killed. Then we have to warm or then we have to cool down that heated milk to provide the optimum temperature 37 35 or room temperature, and then we also have to cut down the oxygen supply to provide the anaerobic conditions as these bacteria carry out anaerobic respiration and they produce the lactic acid, right, otherwise agar hum start se yahi wale steps likhne which I have written in the beginning that is also good, theek hai। अच्छा, अब हम इसका बेटा सेकेंड पार्ट देखते हैं, द डायग्राम शोज फूड लेबल फ्रॉम अ पॉट ऑफ योगर्ट। सो एनर्जी जो है बेटा इट हैज 344 किलो जाउल ऑफ एनर्जी, लेट्स सी व्हिच प्रोडक्ट्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट्स आर प्रेजेंट हियर। अच्छा, एनर्जी जो है ओवरऑल इट इज 344 किलो जाउल पर 100 ग्राम ऑफ योगर्ट,
फैट इज 4.5 ग्राम्स, टोटल कार्बोहाइड्रेट्स 5.5 ग्राम्स, शुगर इज 5.5 ग्राम्स शुगर, ओके, शुगर कार्बोहाइड्रेट्स देन फाइबर, यस सी हियर फाइबर आर एक्चुअली जीरो, नो फाइबर, देन प्रोटीन्स आर 4.2, proteins are 4.2, salts are 0.1 and it also has calcium 0.1 to 5 grams and water is also 81%. So this is the nutritional value of the yogurt. Let's see what is the examiner asking. Yogurt can contribute to a balanced diet. It can contribute to a balanced diet. But adult humans cannot survive by eating only yogurt, right? Explain the statement using the information on the labels. It can contribute to a balanced diet. Acha, pehle hum iska answer karte hain, then why the humans cannot survive, then we are going to answer this part in the question. Let's see, this is for 5 marks, right? Tab hum dekhte hain ki humne isko kis tarah likhna hai. Why this is contributing to the balanced diet? इसमें आप देखें बेटा, it has carbohydrates, ठीक है, carbohydrates, sugar, it has carbohydrates. अच्छा, इसके अलावा इसके पास it also contains proteins, it also contains fats, ठीक है, it also contains calcium, it also contains water. ठीक है, हम पहले इसका constitute देख लेते हैं. इसके अंदर वाटर है, कैल्शियम है, ठीक है, सॉल्ट्स भी हैं, सॉल्ट्स में मेंशन कर लेते हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स भी हैं, ठीक है. अच्छा, और हम यहाँ पर सॉल्ट्स भी बेटा लिख लेते हैं, इट आल्सो हैज सॉल्ट्स. ड्यू टू दीज पार्ट्स इट इज कंसिडर्ड अ बैलेंस्ड डाइट. बट अच्छा, आपने बेटा कॉम्पोनेंट्स लिखने हैं एंड देन वी ऑल्सो हैव टू राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ दीज कॉम्पोनेंट्स. कॉम्पोनेंट प्लस फंक्शन विल प्रोवाइड अस 1 मार्क. और अच्छा, इसमें बेटा दे आर आस्किंग व्हाई इट इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड, इट इज कंट्रीब्यूटिंग इन द बैलेंस डाइट बिकॉज ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूट्स. और उसके बाद जो बेटा इसका सेकंड पार्ट है, व्हाई इट कैन नॉट बी ह्यूमन, राइट, एंड व्हाई ह्यूमंस कैन नॉट सर्वाइव बाय ईटिंग ओनली योगर्ट. हमें इस पार्ट को भी आंसर करना है. ओनली राइटिंग 5 पॉइंट्स और 6 पॉइंट्स फ्रॉम दिस फर्स्ट पार्ट विल नॉट गिव यू 5 मार्क्स. ठीक है, अभी हम बेटा फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलमोस्ट 6 पॉइंट्स लिखे हैं. So just writing 6 points from the first part is not going to give you the 5 marks. Both parts are important for gaining the 5 marks. ठीक है, एक में से आप 2 कर दें, एक में से 3 कर दें, that is good. But 5 जो है from one part will not give you the 5 marks. अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स जो है they are source of energy. ठीक है, हम energy लिख देते हैं, source of energy. Proteins जो है they are required for making amino acids. Sorry. प्रोटीन्स जो है यहाँ पर हम प्रोटोप्लाज्म या न्यू सेल्स कर देते हैं. ठीक है, प्रोटोप्लाज्म और न्यू सेल्स. अच्छा, और इसके अलावा दे आल्सो प्रोवाइड एनर्जी, तो वो भी हम पार्ट कर लेते हैं. जो मेन है दैट इज द न्यू सेल्स और ग्रोथ. ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ. फैट्स दे प्रोवाइड एनर्जी. अच्छा, एनर्जी के अलावा दे आल्सो प्रोवाइड इंसुलेशन, ये भी हो गया. कैल्शियम इट इज रिक्वायर्ड फॉर बोन, स्ट्रेंथनिंग द bones and teeth, and water that is required for hydrolytic, or you can write down the chemical reactions inside the body. Then salts, they help in maintaining the pH of blood, right? So because of these parts, it's considered the balanced diet. Second is why humans cannot survive by eating only yogurt. अच्छा, इसमें अब हम देखते हैं बेटा कौन सी चीज नहीं है. इट डू नॉट हैव एनी ऑफ द विटामिन हियर. ठीक है, कोई विटामिन नहीं है, ए बी सी डी ई, यू कैन नॉट सी एनी ऑफ द विटामिन हियर. अच्छा, इसके अलावा आप देखें जो इसमें बेटा, कैन यू सी हियर फाइबर्स, फाइबर्स आप देखें इसमें बेटा, फाइबर्स जो है 0 है, इट मीन्स इट हैज नो फाइबर्स. तब हम नीचे लिखते हैं व्हाई इट्स नॉट कंसिडर्ड द गुड बैलेंस्ड डाइट. सेकेंड पार्ट है इसका, ठीक है, इट हैज नो फाइबर्स, फाइबर्स इट कैन लीड टू कॉन्स्टिपेशन, इट कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन. ठीक है, सेकेंड हम आप देखते हैं इसमें बेटा क्या चीज नहीं है.
do not have any of the vitamin, no vitamin. अच्छा स्पेसिफिक हम कर लेते हैं विटामिन सी कर लें, विटामिन डी कर लें, इट्स अप टू यू. ठीक है, फिर हम उसी का ही फंक्शन बताएंगे. इट हैज नो विटामिन विटामिन्स और इट हैज नो विटामिन सी कर लेते हैं. ठीक है, और विच कैन सी जो है. अच्छा देन इसके बाद नो स्ट्रॉन्ग एपिथेलियल सेल्स, देन विटामिन डी भी आप कर लें, नो विटामिन डी, इट हैज नो विटामिन डी. ठीक है, वीक बॉन्ड्स और नो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, या इसमें आप स्पेसिफिक कर दें नो एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम. एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ब्लड, राइट. अच्छा, और इसके अलावा no epithelial cells या poor epithelial cells, epithelial cells and scurvy आप इसको कर लें. ठीक है, या might lead to scurvy. scurvy, right? अच्छा, और इसके अलावा yes बेटा, it also do not contains iron. iron इसके अंदर नहीं है. So iron can lead to no iron. It do not contains no iron, right? No iron की वजह से less red blood cells, less hemoglobin, or it might lead to anemia. बेटा diseases पे हम ना जाएं, diseases से पहले आप इनके just functions बता दें. ठीक है, for vitamin C no epithelial cells, no good growth. और इसमें आयरन की वजह से जो है इट देयर विल बी नो हीमोग्लोबिन, नो रेड ब्लड सेल्स, और एंड पर हम अनीमिया के ऊपर जाएं, बट दैट विल बी मोर देन द रिक्वायरमेंट. ठीक है, अब हम इसको दोबारा देखते हैं. इसमें जो है दे आर आस्किंग व्हाई योगर्ट कंट्रीब्यूट्स टू द बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट हमने टेबल से ही बेटा हेल्प लेना है. इट हैज कार्बोहाइड्रेट्स, नो नीड टू राइट डाउन व्हाट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट देयर. और साथ में आपने एक फंक्शन इसका लाजमी मेंशन करना है, कॉन्स्टिट्यूट प्लस फंक्शन विल गिव यू वन मार्क. अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी, प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग न्यू प्रोटोप्लाज्म, न्यू सेल्स, और इट्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, वन इज सफिशिएंट. फैट्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी, और दे आल्सो प्रोवाइड इंसुलेशन. कैल्शियम इट इज रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बोन्स. वाटर इट्स रिक्वायर्ड फॉर केमिकल रिएक्शन. सॉल्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द पीएच ऑफ द ब्लड. अच्छा, इसमें हमने सारे जो है बेटा फर्स्ट पार्ट के नहीं लिखने, फॉर बैलेंस डाइट. सो हियर आई हैव एक्सप्लेन्ड सिक्स. तो सिक्स जो है आर नॉट गोइंग टू गिव अस फाइव मार्क्स. ठीक है, हमने दोनों पार्ट्स को डिस्क्राइब करने हैं. एक पार्ट में से आप थ्री कर लें, सेकंड पार्ट में से आप टू कर लें, इतना फाइव है. बट आई हैव आस्क्ड कि आपने हमेशा जो है एक एक्स्ट्रा पॉइंट लाजमी लिखना है, एज देयर इज सफिशिएंट स्पेस. ठीक है, अच्छा सेकेंड पार्ट जो है, ह्यूमन एडल्ट्स कैन नॉट सर्वाइव बाय ईटिंग ओनली योगर्ट. इसका रीजन ये है, डू नॉट हैव फाइबर्स, सो इट कैन लीड टू कॉन्स्टिपेशन, नो विटामिन सी, which there will be poor epithelial cells growth and no vitamin D, then there will be no absorption of calcium from small intestine to blood, no iron, anemia. ठीक है, इसके अलावा भी अगर हम डिटेल में देखें तो और भी इसमें vitamins हम specify कर सकते हैं, but these four in the syllabus and this is sufficient. ठीक है, four यहाँ पे मैंने describe किए, six मैंने ऊपर describe किए हैं, तो ये हमने 10 marks का बेटा question जो है attempt कर लिया. Five are required, हमने 10 marks का कर लिया. ठीक है, अच्छा अब हम नेक्स्ट देखते हैं. एक्सेस अमीनो एसिड्स आर ब्रोकन डाउन, दे आर ब्रोकन डाउन इन द लिवर सेल्स टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया. ये हम सारों को पता है. ठीक है, डिस्क्राइब द पाथवे टेकन बाय द मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया फ्रॉम लिवर ऑफ द मैमल्स अंटिल इट रीचेस द सॉइल. तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें बेटा हमने एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया जो है उसको जस्ट डिस्क्राइब कर देना है पाथवे. अच्छा लिवर है, देखते हैं दिस इज फॉर हाउ मेनी मार्क्स, सेवन मार्क्स. ठीक है बेटा, अच्छा सेवन मार्क्स के लिए हमें इसको किसना लिखना है, लिवर से जो है यूरिया, इट इज कैरिड बाय विच वेन, दिस इज कैरिड बाय हेपेटिक वेन. ठीक है, हेपेटिक वेन से ये कहाँ जाएगा, इट विल मूव टू हार्ट. अच्छा अब हार्ट से ये किसके थ्रू आएगा, बाय renal artery, through renal artery it is carried to
ठीक है। अच्छा, किडनी से ये फिर कहाँ जाएगा? किडनी से हम डायरेक्ट यूरेटर में ले आते हैं, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, एंड फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, अच्छा यूरिथ्रा, एंड इट इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ बॉडी इन यूरिन। ठीक है, अब ये यूरिन जो है बेटा ये कहाँ पर डिस्चार्ज होता है? सीवेज में, और देन दैट इज रिलीज्ड इनटू द सॉइल। तो यहां से आप देखें कि ये सॉइल पर आ गया, सॉइल में इट हैज एंटर्ड। अब आप इसमें अटेम्प्ट करना जो है, ये आप स्टूडेंट्स को ये सारी बातें आती हैं, ठीक है। ओनली जो है आपने देखना है कि इसको आपने अटेम्प्ट किस तरह करना है क्वेश्चन को। इट्स वेरी इजी, और दिस जो है बेटा दिस इज सफिशियंट, आई थिंक दिस इज ओनली दिस इज रिक्वायर्ड फॉर 7 मार्क्स, ठीक है। यही है इसमें, आप देखें लिवर से यूरिया हेपेटिक वेन विल गिव यू 1 मार्क, ठीक है। हार्ट जो है एक और होगा, रेनल आर्टरी विल गिव यू अनदर मार्क, देन किडनी जो है अनदर मार्क, यूरिटर अनदर मार्क, यूरिनरी ब्लैडर अनदर मार्क, पाथवे हमें लिखना है ना, यूरिथ्रा अनदर मार्क, और उसके बाद जो है यहाँ पे कि आप देखें आपके 7 कंप्लीट हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। देन इट इज मूव्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एक्सक्रीशन एंड यूरिन एंड देन आप सॉइल, आप देखें दिस इज वेरी इजी, इस तरह हमने अटेम्प्ट करना है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, यूरिया इज अ मॉलिक्यूल विच कंटेन्स नाइट्रोजन। जस्ट व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट दैट द मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स नाइट्रोजन आर एडेड टू सॉइल। अच्छा सॉइल जो है इसको हम रिलेट करेंगे प्लांट्स के साथ, नाइट्रोजन है इट शुड बी एडेड टू द सॉइल। अच्छा नाइट्रोजन जो है सॉइल में नाइट्रोजन इन सॉइल इट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है। नाइट्रेट्स बन गए नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, देन दीज नाइट्रेट्स आर, अच्छा नाइट्रेट्स जो है दीज आर टेकन अप बाय प्लांट्स taken up by plants through active transport, ठीक है। अच्छा प्लांट्स में जाकर ये क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू नाइट्रेट्स आर गोइंग टू कंबाइन विद नाइट्रेट्स आर गोइंग टू कंबाइन विद ग्लूकोज एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म अमाइनो एसिड्स, राइट। अच्छा अमाइनो एसिड्स जो है ये क्या करेंगे, अमाइनो एसिड्स आर गोइंग टू फॉर्म प्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स आर गोइंग टू हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, हम कर लेते हैं ठीक है। देन दीज प्लांट्स आर ईटन अप बाय द एनिमल्स, राइट, एंड एनिमल्स गेन द नाइट्रोजन, आप कह सकते हैं नाइट्रोजन इज source nitrogen is transferred in plants in animals by eating the plants, and this is the nitrogen which is also the source of amino acids or for proteins in the plants, ye yahi transfer hoti hai from microorganism. This was for 3 marks, ye humne kafi zyada detail likh li hai। नाइट्रोजन विच इज इन द सॉइल, विच आप देखें कि यूरिन से भी जा रही है, ठीक है, या फर्टिलाइजर्स के थ्रू भी आप ऐड कर रहे हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज प्लांट्स नीड इट फॉर मेकिंग अमाइनो एसिड्स। और किस तरह बनाते हैं, हम इसको थोड़ा सा पाथवे जो है लिख लेंगे, अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स, और यहाँ तक आई थिंक सफिशियंट है, ठीक है, यहाँ तक आप लिख लें एनिमल्स तक। एनी प्रॉब्लम अभी बेटा, यू हैव ज्वाइंट, यस यू हैव ज्वाइंट आई थिंक लेट, अब नो आइडिया आपने कब ज्वाइन किया था, ठीक है। इसको बेटा आपने इस तरह लिखना है, 3 मार्क्स के लिए है, आप देखते जाएं आपके बेटा ये जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं ये दिस इज फॉर मोर देन 3 मार्क्स, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट फुल मार्क्स ओवर हियर। नेक्स्ट जो है, राइस मेज एंड व्हीट प्लांट्स आर द मेन कार्बोहाइड्रेट सोर्स फॉर मोर देन 60% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, डिस्क्राइब हाउ प्लांट्स लाइक दीज प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स यूजिंग मटीरियल फ्रॉम द
एनवायरमेंट। एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू आंसर मी कि इसमें हमने क्या लिखना है और व्हाट इज द एग्जामिनर आस्किंग एक्चुअली ट्राइंग टू आस्क। ठीक है, देखिए हाउ डू द प्लांट्स प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट। सो हियर वी हैव टू डिस्क्राइब अबाउट द, इसके बारे में हमने लिखना है फोटोसिंथेसिस के बारे में लिखना है। हियर वी हैव टू डिस्क्राइब अबाउट द फोटोसिंथेसिस। अच्छा, और दिस इज फॉर 5 मार्क्स। सो यूजिंग द मटेरियल्स व्हिच द प्लांट्स टेक फ्रॉम द एनवायरमेंट, ओवरऑल हम लिखेंगे फोटोसिंथेसिस। अच्छा, मैं इसमें बेटा आपको जो है इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपने जो है इसको इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स जो है वो डिस्क्राइब करना। अच्छा, फोटोसिंथेसिस जो है इट अकर्स इन ग्रीन प्लांट्स या प्लांट्स आप खाली लिख रहे हैं। ठीक है, प्लांट्स के अंदर जो है देर आर द लीव्स, लीव्स हैव मेसोफिल सेल्स एंड दिस मेसोफिल सेल्स हैव क्लोरोफिल हम लिख लेते हैं, क्लोरोप्लास्ट नहीं लिखते ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोफिल, दिस क्लोरोफिल ट्रैप्स और कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा जो है इनको और क्या चाहिए होता है, वॉटर चाहिए होता है। ठीक है, क्लोरोफिल चाहिए होता है, क्लोरोफिल हमने बता देना है कि वो लीव्स में प्रेजेंट है और कहाँ से जा रहा है। वॉटर जो है दैट इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, अच्छा, सॉइल में से ऑस्मोसिस के थ्रू ये कहाँ जाएगा, रूट, हेयर सेल्स टेक अप दिस वॉटर। इसके अलावा इनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, वॉटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वी नो कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन, ये कहां से जा रही होती है, थ्रू स्टोमेटा इन लोअर एपिडर्मिस कर लें या लीफ लिख लें। ठीक है, एंड बाय विच प्रोसेस, बाय डिफ्यूजन, राइट, पाथवे भी लिखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम द एटमोस्फेयर थ्रू स्टोमेटा विच आर प्रेजेंट इन द लीफ बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तीन चीजें होगी हमारे पास। ठीक है, और इसके अलावा जो है, अच्छा, इसके अलावा जो है कार्बन डाइऑक्साइड इक्वेशन हम यहाँ पे लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वॉटर, वॉटर भी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गया है, सनलाइट वो डायरेक्टली जो है सन से ले लेते हैं, और उसके बाद जो है क्लोरोफिल, ये भी हमने डिस्क्राइब कर दिया। अच्छा, अब हम लिखते हैं प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में व्हाट दे आर गोइंग टू मेक, दे आर गोइंग टू मेक ग्लूकोज, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है दैट इज ग्लूकोज C6H12O6। ग्लूकोज बाय प्रोडक्ट जो है दैट इज ऑक्सीजन, हम बैलेंस नहीं कर रहे, हम जो है इक्वेशन से इसका आंसर जो है वो लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो इट प्रोड्यूसेस ग्लूकोज बाय टेकिंग ऑल दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ग्लूकोज हम करेंगे, ग्लूकोज जो है फिर इसमें हम ज्यादा इसके यूजेस नहीं लिखेंगे, बट आप ये कह सकते हैं कि एक्सेस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। ठीक है, इतना लिख लेते हैं क्योंकि ये 5 मार्क्स से एक्सीड कर रहा है हमारा आंसर। दोबारा मैं आपको बेटा बता देती हूँ। अच्छा, दे आर आस्किंग डिस्क्राइब हाउ द प्लांट्स लाइक दीज प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स यूजिंग मटेरियल फ्रॉम द एनवायरमेंट। इसमें इफ यू आर गोइंग टू राइट डाउन फोटोसिंथेसिस तो इसका एक नंबर होगा, जस्ट नेमिंग द फोटोसिंथेसिस विल गिव यू 1 मार्क, इसका एक नंबर होगा। अच्छा, अब हमने बताना है मटेरियल्स विच आर टेकन फ्रॉम द एटमोस्फेयर, दे टेक वाटर फ्रॉम द एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर में दे टेक वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस थ्रू रूट हेयर्स। उसके अलावा, अच्छा, इसमें हम सारा पाथवे नहीं बताएंगे बेटा, इट्स टेकन फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट हेयर सेल्स, देन इट मूव्स टू द रूट्स, देन इट मूव्स टू द ज़ाइलम इनटू द लीफ, और फिर वहां से ये मेसोफिल सेल्स में जाता है। इतना डिटेल नहीं बताएंगे, जस्ट हम बताएंगे कि ये कहाँ से ले रहे हैं और प्रोसेस डिस्क्राइब करेंगे। अच्छा, सेकेंड जो है क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल जो है आपको पता है कि इट इज प्रेजेंट इनटू द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीफ है, एंड ठीक है, और इसका हम पर्पज भी बता देंगे, इट कन्वर्ट्स द सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, यहीं से हमारे मार्क्स जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। अच्छा, थर्ड जो है दिस कॉम्पोनेंट इज द कार्बन डाइऑक्साइड,
third component is the carbon dioxide, and this is taken up by the stomata by the process of this is taken up through stomata by the process of diffusion. ठीक है, यहाँ तक दिस इज सफिशियंट फॉर 5 मार्क्स. और अगर आप एन पे बताना चाहते हैं, दे प्रोड्यूसेस ग्लूकोज विच इज कन्वर्टेड इन टू स्टार्च. इसमें हम यूजेस नहीं बताएंगे ग्लूकोज के, बिकॉज बेटा एक्सीड कर जाएगा आंसर. अच्छा, नेक्स्ट जो है, मेनी साइंटिस्ट प्रिडिक्ट दैट द वर्ल्ड एज द वर्ल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीजेस देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ फूड. अच्छा, पॉपुलेशन, दिस इज रिलेटेड टू इकोलॉजी. शी जस्ट एन एक्सप्लेन व्हाई एन इंक्रीज इन द ह्यूमन पॉपुलेशन इज प्रिडिक्टेड टू लीड टू अ ग्लोबल ह्यूमन फूड शॉर्टेज. ठीक है, अच्छा अब इसमें देखिए, अगर बेटा पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो देयर विल बी मोर पॉपुलेशन. मोर पॉपुलेशन मीन्स more populations mean more demand. More demand of food. ठीक है, अच्छा उसके अब more demand की वजह से हमें क्या चाहिए, ज्यादा हमने production करनी है तो आज जो है land will be insufficient for farming. Insufficient land for farming or crop production. Then इसमें अच्छा एक तो हमने इसको फूड से रिलेट कर लिया है. फूड के अलावा ओवरऑल पॉपुलेशन देखें, अगर बेटा ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो देन देर विल बी लेस लैंड, और उनको रहने के लिए भी तो जगह चाहिए ना. तो लैंड इज बींग, इसमें लैंड हम यूज करेंगे इसके लिए फॉर बिल्डिंग. लैंड इज यूज फॉर बिल्डिंग. ठीक है, बिल्डिंग हाउसेज भी आ जाएगा इसमें जो है. लैंड यूज हम करेंगे अच्छा इसमें जो है, फिर हम हमें लैंड जो चाहिए वो हम किसके थ्रू लेकर आएंगे. जाहिर है जो बेटा फॉरेस्ट है उनको कट डाउन करेंगे, डिफोरेस्टेशन के थ्रू आएगा. राइट, अच्छा अब डिफोरेस्टेशन की वजह से जो लॉस होगा एटमोसफेयर को, आप वो डिस्क्राइब कर दें. डिफोरेस्टेशन की वजह से आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग होती है. ठीक है, इसके अलावा जो है फ्लड्स आते हैं. और फ्लड्स की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, From soil they are also leaked. इसके अलावा जो है आप ग्लोबल वार्मिंग भी हो गया और ग्रीन हाउस गैसेस भी, गैसेस आर ऑल्सो इंक्रीज. ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज होंगे तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है. तो इसको बेटा हमने इस तरह करना है, सिंपल है. Just an explain why an increase in the population is predicted to lead to a global human food shortage. ठीक है, ये आप बता देंगे shortage, food shortage जो if there will be more population, तो more population की demand जो है food की, that will also be more. उसे produce करने के लिए हमें ज्यादा space चाहिए, जो provided space है that will be insufficient. इसको हमने इसे relate कर दिया है. ठीक है, फिर उसकी जो बाकी demands हैं other than food, उससे भी आप इसको relate करके 5 marks के लिए लिखेंगे. इसमें हमने लाजमी relate करना है, बिकॉज फूड के लिए बेटा हमारे पास यही चीज आती है. देयर विल बी मोर पॉपुलेशन, मोर फूड डिमांड, और उसमें हम लैंड यूज करेंगे. प्रोडक्शन हमारी जो है कम होगी अगर स्पेस कम है. फिर सोर्सेज से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं. ठीक है, फॉर प्रोड्यूसिंग मोर फूड सोर्सेज भी हमें चाहिए, लैंड नहीं है. लैंड के अलावा बाकी भी तो आपको चाहिए ना, इकोनॉमिकली भी जो है सोर्सेज इतने नहीं है हमारे पास, उससे भी रिलेट कर सकते हैं. और आप इसको ग्लोबल वार्मिंग से भी रिलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसके बाद बेटा हम एंड करते हैं क्लास को. Describe how air is breathed in using rib cage diagram. So, अच्छा, breathed in का पूछा हुआ है. यहाँ पर बेटा मैं आपको दोनों in the form of column बता देती हूँ. ठीक है, अच्छा, during inhalation और exhalation क्या होता है? This is in the form of table हम कर लेते हैं.
अच्छा चलो इसमें बेटा जो दिस इज इन्हेलेशन और इस साइड पे मैं आपको एक्सहेलेशन बताऊं। अच्छा चले ड्यूरिंग इनहेलेशन बेटा क्या होता है जो डायफ्राम मसल्स हैं डायफ्राम मसल्स इसमें जो है हम कॉलम बना लेते हैं एक अच्छा डायफ्राम मसल्स हैं ये आप देखेंगे कि डायफ्राम इसके अलावा इंटरकोस्टल ठीक है दिस इज बेटा आईसी इज द इंटरकोस्टल मसल्स उसके अलावा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स राइट देन ओवरऑल रिब्स या रिब केज भी आप कह सकते हो ठीक है रिब्स की हम पोजीशन देखते हैं और इसके अलावा एरिया ऑफ चेस्ट कैविटी थोरेसिक भी लिख सकते हैं देन प्रेशर इन लंग्स कर लें या चेस्ट कैविटी भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर ये वाली चीजें बेटा हमने डिस्क्राइब करनी है इन द फॉर्म ऑफ टेबल आप इनहेलेशन के लिए भी याद कर लें और एक्सहेलेशन के लिए भी कर लें। अब हम यहाँ पर जो है इनहेलेशन में इसको देखते हैं अच्छा ड्यूरिंग इन्हेलेशन व्हाट डायफ्राम मसल जो है ड्यूरिंग इन्हेलेशन आर गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट और डायफ्राम जो है इज आपने बेटा हमने इनहेल कर तो अंदर चेस्ट कैविटी लंग्स का एरिया हम इंक्रीज करना है ज्यादा करना है क्या एरिया ज्यादा हो ठीक जिसकी वजह से प्रेशर इट विल बी एरिया ज्यादा हुआ प्रेशर कम हो जाएगा और उस इंक्रीज करने के लिए आप एयर विल रश इन एयर विल मूव इन साइड द लंग्स ठीक है तो आप जब आपने ज्यादा करना है तो आपने मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो डायफ्राम इट इज फ्लैटेंड और लोअर्ड के नीचे आएगा तो जिस वजह से एरिया एक्सटर्नल इंटरकोस्टल ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ठीक है और जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं बेटा रिलैक्स करते हैं और रिब्स ऑल्सो मूव आउटवर्ड अपवर्ड तो है आप सांस ले थोड़ा सा सांस करेंगे जो रिब्स है रिब के एज है ओवरकम्स आउटवर्ड एंड वर्ड इसमें हम इसका रिजल्ट भी लिखें आज में इसका जो रिजल्ट एयर रशेस इन प्रेशर डिफरेंस ओटलाइज दिस प्रेशर ठीक है ये वाले बेटा स्टेप्स हैं इनहेलेशन के हैं साथ ही ना एक्सहेलेशन के लिए यहीं पर हम कर लेते हैं दे विल पॉजिट यू कैन मेक अ टेबल या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें तो दैट विल बी इजी टू रिमेम्बर मसल्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन ये क्या करते हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन अच्छा ड्यूरिंग एक्सहेलेशन दे रिलैक्स डायफ्राम मसल्स दे रिलैक्स एंड डायफ्राम बिकम्स डोंट एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स दे सो रिलैक्स
पोस्टल मसल्स दे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और रिब्स जो है दे मूव इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है, और एरिया जो है दैट दि प्रेशर इन साइड इंक्रीजेस, और रिजल्ट इसका क्या आ जाएगा, टू इक्वलाइज दिस इज एक्सेप्ट, ठीक है, एंड रिजल्ट टू इक्वलाइज दिस प्रेशर, उसको इक्वलाइज करने के लिए विल हैपन हियर इज फोर ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ये है इसमें बेटा आप एक लिखें कि जब डायफ्राम जो है वो ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जब हम रिलैक्स करेंगे तो इंटरकोस्टल मसल्स भी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल करेंगे, इससे डूइंग द जॉब, राइट। अच्छा, इसका जो बेटा लास्ट हम कर लेते हैं, ब्रोंकाइटिस इज अ कंडीशन दैट कैन बी ट्रिगर्ड बाय ब्रीदिंग इन सब्सटेंसेस दैट कॉज द ब्रोंकाई टू बिकम इन्फ्लेम्ड एंड लार्ज अमाउंट म्यूकस प्रोड्यूस करता है, जस्ट हाउ दिस कैन इफेक्ट हाउ दिस कंडीशन के पर्सन एक्सप्लेन हाउ मे बी एबल टू अवॉइड दिस कंडीशन। ब्रोंकाइटिस जो है क्या बेटा, दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकोस, तो हमने फोर मार्क्स के लिए बताना है दिस कंडीशन इज अवॉइड, राइट। इसमें जो है पहले हम का बताते हैं, इसमें बेटा जो ब्रोंकाई हैं दे आर नैरोड, ठीक है, होप सो समझ आ, और दे आर बाय ठीक। अब जो है इसमें इफ बाय ब्रोंकाई हैव बीन नैरोड, इसका रिजल्ट क्या होगा, पूछा हुआ है कंडीशन मेड टू हाउ अ पर्सन टू अवॉइड, हमने अच्छा अवॉइड है पहले के बारे में थोड़ा सा बता दे, दिस इज नैरो सो ऑक्सीजन ऑक्सीजन इज डिफ्यूज वजह से देर विल बी एरोबिक रिएक्शन, लेस एरोबिक रिएक्शन की वजह से लेस रेस्पिरेशन की वजह से भी लेस यूज आई थिंक दिस लेस की वजह से भी लेस एनर्जी, राइट, लेस एनर्जी से पर्सन विल टायर्ड एंड लेथार्जिक, अच्छा ये अब हमने सेकंड पार्ट में बेटा बताना है कंडीशन इज अवॉइडेड, तो अवॉइड करने के लिए इसमें जो है अवॉइड में फ्रॉम द एयर पोल्यूशन एयर मास्क, ठीक है, तक एंटर ना हो, अच्छा इस जो है अवॉइड इनहेल एयर पोल्यूटेंट्स, ठीक है, पोल्यूटेंट्स, ठीक है, और इसके अलावा वॉकिंग है अवॉइड स्मोकिंग, ठीक है, इन अवॉइडिंग डस्ट, ठीक है, थ्री मेजर्स व्हिच शुड डन इफ समवन इज सफरिंग ब्रोंकाइटिस, राइट। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, फॉर फाइव मार्क्स, तो थ्री मार्क्स आपके यहाँ से, हाउ दिस कंडीशन वेरी सिंपल वन, ठीक है, एलर्जेंट दे ऑल्सो कॉज ऑफ द ब्रोंकाइटिस, एलर्जेंट भी है उसके पास, सही एलर्जेंट आप
कर दें, जैसे डस्ट, परफ्यूम कर दिए, चौक, ठीक है, वो कर दें, एयर पोल्यूटेंट्स ऑल्सो एलर्जेंट, ऑल्सो एलर्जेंट, एलर्जेंट के अलावा जो ब्रॉन्क्स, दोज हु आर सफरिंग ब्रोंकाइटिस, दे शुड ऑल्सो अवॉइड बिकॉज दे ऑल्सो अगेन फर्दर कॉजेज द नेक्स्ट ब्रोंकाइटिस, ठीक है, वेयर सिंपल सी चीज है, सो हैव बीन डूइंग इन द ऑफिस में लिखना है, ठीक है। अच्छा ऑलमोस्ट बेटा जल्दी जल्दी कंप्लीट कर, यहाँ भी हो चुका है, एनी प्रॉब्लम? यस ओनली प्रेजेंट, यस अबीबा बेटा, एनी और कुछ बेटा? आपने पेपर आप देखें समर, यस समर ट्यूशन पेपर वेरिएंट टू, ठीक है, बहुत ही आपने प्रैक्टिस की और बाकी आपने फ्राइडे सेंड करनी है, उसका मिस करेंगे, कोई प्रॉब्लम हो किसी रिलेटेड यू कैन आस्क, राइट, सो आई एम गोइंग आउट नाउ, अल्लाह हाफिज़।